हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास बाग में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान अक्रम निवासी मिर्जापुर के रूप में हुई है। हत्यारों ने मृतक अक्रम पर चाकू से दर्जनों वार किए हैं और गला रेत कर अक्रम की हत्या कर दी। साढ़े छह बजे से दुकान पर कल से गायब है। इमरान नाम का लड़का ले रहा था, उसके बाद बाद में मिला था पुलिस ने, पुलिस गई, पुलिस लाई। अच्छा, क्या वजह आपको लग रही है? कोई दुश्मनी थी इमरान से? इसके पास कल पैसे थे, पापा पंजाब को ले आते थे, 2-3 लाख रुपए उसके पास। अच्छा, तो पैसे के लिए हत्या की गई है? जी, पैसे पापा बोले मैं आ रहा हूँ, चलेंगे कल, इसके पास पैसे पैसे नहीं मिले फिर जेब में। जी ना। मृतक के परिजनों की माने तो मृतक अक्रम कल शाम को घर से दोस्त इमरान के साथ निकला था, लेकिन पुलिस ने आज अक्रम का शव गांव के बाहर स्थित बाग से बरामद किया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इमरान ने ही पैसों के लिए अक्रम की हत्या की है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक अक्रम नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली है, जिसके चाकुओं के निशान हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जो पूछताछ में प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि उसी गांव का एक लड़का जो पड़ोसी है वो उसे कल रात में बुला करके ले आया था और किन्हीं कारणों से उसकी हत्या कर दी। इसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है, घटना के कारणों के बारे में जाँच की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इमरान की तलाश शुरू कर दी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज, बुलंदशहर। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।